मैं शांत हूँ, आप देख रहे हैं टेक्निकल शान। और इस वीडियो में आपको बताऊंगा हाउ टू एनहांस योर रेडमी 4 कैमरा और रेडमी नोट 4 कैमरा। देन हिट द सब्सक्राइब बटन एंड लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो आपको जैसे कि पता है कि एमआई के हर एक डिवाइस, चाहे वो फ्लैगशिप होगी या बजट रेंज हो, उसमें आपका कुछ ना कुछ कैमरा में प्रॉब्लम रहती है। हर एक अपडेट के साथ वो माइनर फिक्स करता है बग्स को, पर इस बार मैं आपको बताऊँ कैसे आप बिना अपडेट का कुछ भी, मतलब अभी कब आपका आएगा अपडेट हो तब तक आप वेट थोड़ी जो कीजिएगा। तो उसी के लिए मैं आपको ऐसा बताऊंगा जिससे आप अपना जो कैमरा है उसको एनहांस कर सकते हैं और उसका इम्प्रूवमेंट जो आपका हार्डवेयर के साथ सपोर्टेड है वो कर सकते हैं। तो ये वीडियो देखिए, आपको मैं पूरा बता दूंगा। तो देखिए, जैसे कि इसमें आपको पता होगा, अगर आप रेडमी 4 यूज़ कर रहे हो तो उसमें ऑटो फोकस सही से काम नहीं करता, और फिर उसमें आपको जो कलर सैचुरेशन और टेंट बहुत ज़्यादा मिल जाता है। जैसे देखिए, अभी वीडियो रिकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ तो देखिए इसमें आपका टेंट बहुत ज़्यादा है। हाँ, खाली इसमें एक बार, इस बात अच्छा है कि इसमें आप इस बार टाइम लैप्स वीडियो आप कैप्चर कर सकते हैं अपने डायरेक्टली फ़ोन से। ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा, पर वो भी इसमें भी टाइम सेटिंग, शटर सेटिंग्स नहीं है, तो शटर स्पीड और कुछ मैं फिक्स नहीं कर पा रहा हूँ। अगर आपको वो करने मिल जाता तो तब भी टाइम लैप्स मायने रखता है, तो इसके लिए अलग ऐप या अलग कैमरा या DSLR यूज़ करना पड़ेगा। और सेकेंड थिंग है जो मैं आपको बताऊँ कैसे आप एनहांस कर सकते हैं उससे, तो आपको जाना होगा एक प्ले स्टोर में, जो मैं नीचे लिंक दिया हूँ, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हो। आपको डाउनलोड करना होगा ओपन कैमरा, क्योंकि काफ़ी अच्छा कैमरा है सभी फ़ोन के लिए, सभी फ़ोन में ये एनहांसमेंट का काम करता है, जिसमें कि अगर आपका फ़ोन 4K वीडियो रिकॉर्डिंग या 4K या अल्ट्रा 4K भी कुछ भी सपोर्ट करता है प्रोसेसर, तो आपको ये एनहांसमेंट दे देगा। तो देखिए, जैसे कि अभी टेंट आ रहा है, ये सेटिंग्स ठीक नहीं है, और अभी जाके मैं अभी टेंट हटा सकता हूँ। देखिए, जैसे कि अभी येलो टेंट नहीं आ रहा, यही कलर ग्रेडिंग जो कि आपका एमआई के फ़ोन में हमेशा होता है या दूसरे फ़ोन में, बहुत सारे में दोस्त आप सही से नहीं कर पाता, तो यही आप डायरेक्ट एनहांस कर सकते हो। इसमें आप 4K फोटोज़ ले सकते हैं अल्ट्रा 4K तक, और देखिए जैसे कि अल्ट्रा 4K का साइज़ है, 4K होता है, तो आप HDR मोड डायरेक्ट ले सकते हो फॉर ऑल फोटोज़। तो ये काफ़ी अच्छा है, एक्सपोजर सेट कर सकते हैं, ISO सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से, तो ये काफ़ी अच्छा है। और इसमें आप 4K वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, जो कि आपका फ़ोन 720 तक ही रिकॉर्ड कर सकता है, ये अल्ट्रा 4K आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो कोई भी सजेशन करना तो ज़रूर सजेस्ट कीजिए, और वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किए, क्योंकि मैं रोज़ाना ऐसे वीडियो लाते रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं टिल देन, बाय।